Assalamualaikum, my name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और बच्चों हमने जो है चैप्टर नंबर 1 जो है वो थ्रू आउट रीड किया और अब जो है वो हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है वो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाती हूँ। तो आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और फर्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है डिफाइन सिटीजनशिप एंड राइट एनी फोर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन। सो आंसर इज द मेंबरशिप ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड द सिटीजनशिप। इफ यू वर बॉर्न एंड लिविंग इन पाकिस्तान देन यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। नाउ दे आस्क अबाउट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो राइट्स ऑफ अ सिटीजनशिप, नंबर वन, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ। नंबर टू, एवरीवन हैज़ राइट टू लिव अ फ्री लाइफ। नंबर थ्री, ऑल सिटीजन कैन थिंक एंड स्पीक फ्रीली। नंबर फोर, ऑल सिटीजन आर सेफ इन द कंट्री। ये हो गए जी इसके राइट्स। अब चलते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। बी, नंबर वन, बी फेथफुल टू हिज कंट्री। नंबर टू, फॉलो द कंट्रीज लॉ। नंबर थ्री, रिस्पेक्ट द अदर सिटीजन्स एंड देयर फेथ एंड रिलीजन। नंबर फोर, पे हिज यूटिलिटी बिल्स टैक्सेस इन टाइम। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वन, जिसके अंदर हमने जो है वो सिटीजनशिप की डेफिनेशन दी, उसके राइट्स बताए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई। अब हम चलते हैं नंबर टू क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन ह्यूमन राइट्स विद एग्जाम्पल। सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं। A standard according to which all the humans are equal and liable to have the basic needs of life without any discrimination is called human rights. Iski example le lete hain. For example, as a student you can't make money by yourself, so you have right that your parents give you food to eat, dress to wear and a house to live. So ye tha iska second short ka answer. अब चलते हैं हम थर्ड शॉर्ट की तरफ। एक्सप्लेन डाइवर्सिटी एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे पहले जो है हम डाइवर्सिटी की डेफिनेशन ले लेते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी इज यूनिक विद ऑल हिज क्वालिटीज, कलर, रेस, कल्चर, रिलीजन, ओपिनियंस एंड लाइफस्टाइल। नाउ इसकी इम्पॉर्टेंस की तरफ आ जाते हैं। Diversity is very important for the peace of the society or even for the peace of your school. Different people have different ideas. Sometimes some people's ideas are not very good, but the other people's ideas are very good. But when different people give their ideas on a project, then we can choose the better ideas for our projects. जी हाँ, तो ये था third short का answer. अब हम चलते हैं फोर्थ शॉर्ट की तरफ, जो कि हमारा सेकंड लास्ट शॉर्ट है। व्हाट इज टॉलरेंस, यानी सब्र का क्या मतलब है। टॉलरेंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स पीपल टू लिव टुगेदर पीसफुली। इफ यू आर टॉलरेंट दैट मींस यू एक्सेप्ट अदर पीपल ओपिनियंस एंड लाइफस्टाइल इवन व्हेन दे लिव इन अ वे दैट दो यू डोंट एग्री विद। और लास्ट इसका शॉर्ट है राइट एट लीस्ट फाइव कॉमन एटिकेट्स। इसके फाइव कॉमन एटिकेट्स हैं। नंबर वन, रिस्पेक्ट अदर्स। नंबर टू, बीइंग पोलाइट। नंबर थ्री, शोइंग केयर टू द एल्डर पीपल, वीमेन, चिल्ड्रन एंड डिसेबल पीपल। नंबर फोर, डोंट फाइट। एंड नंबर फाइव, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब चलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हम आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, जो कि इसका बी पार्ट है। और ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स इन द बॉक्स। अब आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर फाइव वर्ड्स हैं, आपने जो राइट वर्ड है वो उसके अंदर पुट करना है। नंबर वन फिल इन द ब्लैंक है बिकॉज यू वर बॉर्न इन पाकिस्तान सो यू हैव अ डैश ऑफ पाकिस्तान। तो इस डैश में आएगा सिटीजनशिप। नंबर टू, द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज सो वी आर बिकमिंग अ डैश सिटीजन। सो इस डैश में आएगा ग्लोबल। नंबर थ्री,
ऑल सिटीजन शुड बी डैश इन द कंट्री, तो इस डैश में आएगा सेफ। नंबर फोर, ऑल सिटीजन कैन गो डैश, तो इसमें आएगा एनीवेयर। नंबर फाइव, ऑल सिटीजन शुड फॉलो द कंट्रीज डैश, तो इस डैश में आएगा लॉ। तो बच्चों, आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो सॉल्व हो गई हैं। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ, जो कि है मैच द कॉलम ए विद द करेक्ट सेंटेंस इन कॉलम बी। जी हाँ, तो हमने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो नंबर वन पे है डिफरेंट पीपल हैव, तो ये कॉलम बी से मैच होगा, जो कि थर्ड पे है डिफरेंट आइडियाज। कॉलम ए का सेकंड है रिस्पेक्ट एवरीवन्स, तो ये कॉलम बी के फोर्थ से मैच होगा आइडियाज एंड लाइफस्टाइल। नंबर थ्री पे है डोंट फाइट, तो ये कॉलम बी के सेकंड से मैच होगा ऑन लिटिल थिंग्स। कॉलम ए में नंबर फोर पे है द वैरायटी इन अ सोसाइटी और स्कूल, तो ये कॉलम बी के फिफ्थ से मैच होगा इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। कॉलम ए का लास्ट है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, जो कि कॉलम बी के फर्स्ट से मैच होगा विद पेशेंस इज टॉलरेंस। जी हाँ बच्चों, तो ये सी पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं हम इसके डी पार्ट की तरफ, जो कि है टिक यस ऑन करेक्ट एंड नो ऑन द इनकरेक्ट आंसर। तो नंबर वन पे है अ ग्लोबल सिटीजन कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेजेस, तो इसका आंसर या तो यस है या नो है। तो फर्स्ट का आंसर है यस। नंबर टू, शेयर योर एड्रेस टेलीफोन नंबर ऑन इंटरनेट, यस और नो, तो इसका आंसर है नो। नंबर थ्री, अ सिटीजन हैज राइट टू बी सेफ इन द कंट्री, यस और नो, तो इसका आंसर है यस। नंबर फोर, डोंट बी एंग्री ऑन अदर्स मिस्टेक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, तो ये हो सकता है यस या नो, तो इसका आंसर है यस। नंबर फाइव और लास्ट है एटिकेट्स मीन गुड बिहेवियर, तो इसमें या तो हो सकता है यस या नो, तो इसका आंसर है यस। तो इसके साथ ही बच्चों, हमारा जो डी पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया है और ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके अंदर ई पार्ट है चूज एंड सर्कल द करेक्ट ग्लॉसरी ऑफ द विकैबलरी। एक तरफ बच्चों आपको ग्लॉसरी दी हुई है और दूसरी तरफ आपको विकैबलरी दी हुई है। आपके जो लेफ्ट हैंड है उस पर विकैबलरी है और राइट हैंड की तरफ जो है वो ग्लॉसरी है। तो नंबर वन विकैबलरी है सिटीजन। नंबर टू पे ग्लॉसरी में आपको टू ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें ए है अ मेंबरशिप ऑफ अ कंट्री और बी है नॉट अ मेंबरशिप ऑफ अ कंट्री। तो इसमें जो सही वाला है हम उसको टिक करते हैं और सही वाला है ए, अ मेंबरशिप ऑफ अ कंट्री। नंबर टू विकैबलरी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ग्लॉसरी में टू ऑप्शन हैं आपके पास, ए में है ड्यूटीज यू हैव टू डू, बी पे है एडवांटेजेस यू गेट, तो इसका सही है ड्यूटीज यू हैव टू डू। विकैबलरी में नंबर थ्री पे है राइट्स। ग्लॉसरी में आपको टू ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें ए पे है एडवांटेजेस यू गेट, बी में है ड्यूटीज यू हैव टू पे, तो इसका सही आंसर है एडवांटेजेस यू गेट। नंबर फोर विकैबलरी है डिजिटल सिटीजन। ग्लॉसरी में आपका नंबर वन पे है, ए पार्ट में है अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री और बी है अ सिटीजन ऑफ अ साइबर वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, अ सिटीजन ऑफ अ साइबर वर्ल्ड। नंबर फाइव और लास्ट वोकैबुलरी है कॉमन एटिकेट और ग्लॉसरी है इसकी ए पे गुड बिहेवियर और बी है ट्रैफिक रूल्स, तो इसका सही आंसर है गुड बिहेवियर। और इसके साथ ही जो है हमारा ई पार्ट भी जो है वो ख़त्म होता है। इसके नीचे आपको ग्लॉसरी नज़र आ रही होगी, इसके अंदर वर्ड्स मीनिंग है, यानी कि जो मुश्किल वर्ड्स थे इस चैप्टर के अंदर उनके इजी मीनिंग्स क्या हो सकते हैं। नंबर वन वर्ड है बर्थ कंट्री, मीनिंग है अ कंट्री यू बॉर्न इन बिलोंगिंग्स। नंबर टू वर्ड है डिजिटल साइबर, इसका मीनिंग है टू सोशल मीडिया। नंबर थ्री वर्ड है आर्ग्यू, मीनिंग है फाइटिंग विद वर्ड्स। नंबर फोर वर्ड है लेस, इसका मीनिंग है नॉट मच।
नंबर 5 वर्ड है हमारे पास लाइफस्टाइल, इसका मीनिंग है वे ऑफ लिविंग। नंबर 6 पे हमारे पास वर्ड है टक शॉप, इसका मीनिंग होता है स्कूल स्नैक शॉप। नंबर 8 वर्ड है हमारे पास पेशेंटली, जिसका मीनिंग है कामली पीसफुली। नंबर 9 वर्ड है हमारे पास रिस्पेक्टफुल, जिसका मीनिंग है फुल ऑफ रिस्पेक्ट। नंबर 10 पे हमारे पास वर्ड है मेक ग्रीन, जिसका मीनिंग है ग्रोइंग मैनी ट्रीज। नंबर 11 वर्ड है हमारे पास सूटेबल, जिसका मीनिंग है प्रॉपर। और लास्ट और 12 पे हमारे पास वर्ड है एटलीस्ट, जिसका मीनिंग है फाइनली। तो इसके साथ ही हमारी जो ये पूरी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई मुश्किल नहीं आई होगी और बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।